और उत्तर प्रदेश के कानपुर की जेल से पैरोल पर छोड़े गए 13 कैदी जेल में वापस ही नहीं लौटे। इन कैदियों को कोरोना काल में पैरोल पर रिहा किया गया था। कैदियों के न लौटने से जेल और प्रशासन में हड़कंप है। जेल अधीक्षक ने कैदियों के परिजनों को नोटिस भेजकर कहा है कि वे कैदियों को ढूंढकर जेल में वापस भेजें। जानकारी के अनुसार 73 कैदियों को 6 महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसके बाद 57 कैदी तो वापस हैं, लेकिन 13 अभी तक नहीं लौटे हैं। पुलिस कई महीने से उनके घरों पर नोटिस भेज रही, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। कोरोना काल में कानपुर जेल से 73 कैदियों को पेरोल पे छोड़ा गया था, जिसके बाद 57 कैदी वापस आ गए। वहीं 13 कैदी जो हैं वो अभी भी कानपुर जेल वापस नहीं आए हैं। इसी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। इनसे पूछते हैं कि जो 13 कैदी हैं अभी फरार, उनके लिए क्या किया जाए। सर, जो 13 कैदी फरार हैं अभी, जो पेरोल से छोड़े गए थे, उनके लिए क्या कार्रवाई है? जेल प्रशासन के आंकड़ों का परीक्षण करके ग्राउंड पे उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है वो कैसे, कब और कहाँ क्रिएट हुई है। इसमें जो आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है और मेरा विश्वास है कि ये डिस्क्रिपेंसी अगले कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। जेल प्रशासन इस पर अपना पूरा डिटेल ले करके और पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष रख रहा है। हम अकॉर्डिंगली जो आवश्यक कार्यवाही है वो कर रहे हैं। सर, जो 12 कैदी जो कानपुर के हैं, एक फतेहपुर एक बिहार का है, तो इनके लिए क्या कोई टीम गठित करी जा रही है उनको ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए? हम उन सभी कैदियों को जो कि यहाँ जेल में नहीं आए हैं, हम उनको ले आएंगे और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी डेटा जो है वो आखिरी रूप में एक बार और हम रिकनसाइल कर रहे हैं और उसमें जो एक्चुअल डिस्क्रिपेंसी होगी उसको हम कवरअप करने के लिए इमीडिएट कार्यवाही करेंगे। अब ज्वाइंट प्रकाश आनंद तिवारी जी थे, आपने बताया कि जो कैदी अभी जेल वापस पेरोल के बाद नहीं वापस आए हैं, उनको पकड़ने के लिए जल्द टीम गठन की जाएगी और जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, GMB न्यूज, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMDNewsFlash।